हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सेल्फ वेडिंग बन हेयर स्टाइल। तो खुद से आप ब्राइडल बन हेयर स्टाइल बना सकते हो, किस तरीके से बनाना है वो वीडियो में देखने को मिलेगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। और इंस्टा आईडी PreetiWhite24, वहाँ पे मेरी फ़नी वीडियोज आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो जाके फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और सेकंड चैनल है PreetiWhite2, जिस पे सिलाई से रिलेटेड अमेजिंग वीडियोज आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी तो दोनों चैनल पर ज़रूरत है, इस पर कम से कम 1 लाख सब्सक्राइबर तो जल्दी से जल्दी पूरे करवा दीजिए। आप लोग के सपोर्ट के बिना ये इम्पॉसिबल है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और मुझे भी थोड़ा सा ग्रो करवाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आज जो ब्राइडल हेयर स्टाइल होगा हमारा, वो होगा हमारा साइड पार्टीशन से। तो सबसे पहले अपने क्राउन एरिया पे आपको थोड़ा सा हेयर लेना है। देन आज हम करेंगे क्राउन एरिया पे बैक कॉम्बिंग, जिससे कि हमारा पफ अच्छा सा आ जाए। अगर आपके पतले हल्के बाल हैं तो आप इस तरीके से बैक कॉम्बिंग करके और अच्छा सा वॉल्यूम अपने क्राउन एरिया पे दे सकते हो और अपने हेयर स्टाइल को अच्छा लुक दे सकते हो। तो इस तरीके से बैक कॉम्बिंग करने से थोड़ा सा इंस्टेंट वॉल्यूम आ जाता है। फिर थोड़ा सा हेयर और ऊपर से डालेंगे ताकि जो हमारा बैक कॉम्बिंग है वो ख़राब ना हो जाए। और बैक कॉम्बिंग अगर आपके बाल बहुत पतले हैं तो आप थोड़ा सा हेयर स्प्रे लेके अपने बालों पे इस तरीके से बैक कॉम्बिंग करने के बाद से लगा दोगे ना, तो आपका जो पफ है वो अच्छे से रहेगा मैनेज। फिर इसके बाद से यहाँ से हम लोग इस तरीके से हेयर को ले लेंगे और अपने क्राउन एरिया को थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुल करके यहाँ पे क्लिप से इसको सिक्योर कर लेंगे। ओके, तो इससे ज़्यादा पफ नहीं बनाना है, हल्का सा ही थोड़ा बस वॉल्यूम। देखिए आपके क्राउन एरिया पे पतले हल्के बालों में अक्सर हमारे क्राउन एरिया पे बहुत कम बाल दिखते हैं, जिससे कि हमारा हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए बस मैंने बताया है यहाँ पे बैक कॉम्बिंग करने के लिए और थोड़ा सा पफ बनाने के लिए। अगर आप चाहो तो आर्टिफिशियल पफ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, अगर आपके बहुत ज़्यादा पतले बाल हैं तो। वो कैसे ऐड करना है उसके लिए भी मैं वीडियो बहुत जल्दी लेके आ जाऊँगी। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने पफ बना दिया है। अभी हम लोग यहाँ पे क्लिप की मदद से, टिकटक क्लिप ले लो या फिर बॉबी क्लिप्स ले लो, जो भी क्लिप है आपके पास उनसे अपने बालों को अच्छे से होल्ड कीजिए। ओके, तो यहाँ पे दो पतला वाला जो ये क्लिप होता है इसकी मदद से मैं अपने पफ को अच्छे से होल्ड कर ले रही हूँ। अब अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कितना ऊंचा कितना लो रखना है आपको अपने पफ को। उसके बाद से हम लोग फ्रंट से जो हमारा हेयर है इसको ऐसे ही छोड़ देंगे यहाँ तक, इस तरीके से छोड़ देना है। ईयर के पीछे तक हेयर को नहीं लेना है। बाकी बालों में एक पोनी बना लेंगे, इस साइड के भी हेयर को छोड़ेंगे। तो आप ब्राइडल हो और आपको हेयर स्टाइल बनाने में खुद से हेयर स्टाइल बनानी है तो आप इस तरीके से बना सकते हो। अगर आप साड़ी पहन रहे हो शादी पार्टी में भी, अगर ब्राइडल नहीं भी हो तो आप ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। तो मैं नीचे से 3 उंगली का गैप छोड़ते हुए अपनी पोनी को बना रही हूँ, ज़्यादा ऊंचा नहीं बनाना है इसमें। इसके बाद थोड़ा सा सेक्शन लेंगे बालों का, देन अपने रबड़ बैंड को हाइड करने के लिए पूरा बालों को रबड़ बैंड के ऊपर लपेट देंगे इस तरीके से। उसके बाद से एक यू पिन से या फिर बॉबी क्लिप से आप इसको सिक्योर कर लीजिए ताकि आपका जो आपने जो लपेटा है बालों को रबड़ बैंड के ऊपर वो अच्छे से कवर हो जाए और बाद में निकल ना जाए इसके लिए। तो ये हमारा हो गया। अभी हम लोग लेंगे एक डोनट बन, यहाँ पे आप पैड बन का भी यूज कर सकते हो। डोनट बन को अच्छे से इस तरीके से फ्लैट लुक दे देना है। फ्लैट लुक अगर नहीं हो पा रहा है तो आप ब्लैक रबड़ बैंड ले लो या फिर जिस कलर का आपका डोनट बन है उसी कलर का रबड़ बैंड लेके इस तरीके से डोनट बन पे लगा देंगे। और अपने जितने भी हेयर हैं उनको इस तरीके से लपेटेंगे बन के ऊपर, नीचे में इस तरीके से लेके जाएंगे। देन डोनट बन को स्कैल्प के हेयर के साथ अच्छे से
अटैच कर देंगे दोनों साइड से। पार्टी बन बोल सकते हो इसको, वेडिंग बन बोल सकते हो। अगर ब्राइडल्स हैं जिनको पार्लर वाली बुक नहीं की है, आप लोग खुद से बनाना है, तो आप इस तरीके से हेयर स्टाइल बना सकते हो। आप चाहो तो ऊंचा भी इसको बना सकते हो, ऊंचा बनाना है तो आप ये पफ थोड़ा सा और ऊंचा कर लीजिएगा, अच्छे से कवर करते हुए, ब्रूनेट बन को हाइड करते हुए अपना बन यहाँ पे बना लेंगे। अभी बारी आती है हमारे फ्रंट के हेयर्स की, तो फ्रंट का जो है अच्छे से पार्टीशन करेंगे। अगर आपको टीका ऐड करना है तो आप टीका पहले ही ऐड कर लीजिएगा। साइड पार्टीशन करेंगे और यहाँ से जितने भी हेयर हैं इनको भी एक सिंपल सी ब्रेड बनाएंगे यहाँ पे। थोड़ा थोड़ा बालों का लेयर्स ऐड करते जाएंगे इस ब्रेड के साथ। आपको लेयर्स निकालनी है तो आप निकाल दीजिएगा, और स्किप करनी है तो आप स्किप कर सकते हो। इस तरीके से बनाते जाएंगे, और जितने हेयर हैं सबको लेके बना लेने के बाद से आपको सिंपली इसको ब्रेड बना देनी है, चोटी गूंथ लेनी है। मतलब पूरा एंड तक चोटी को गूंथ लेंगे यहाँ पे, बहुत ही प्यारा लगेगा और बहुत इजीली आप इसको बना लोगे, तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और सर्दियों में स्किन बहुत ज़्यादा हमारी ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं, तो आपको क्या करना है, जब भी आप नहाने जाते हो तो अपने पानी जो आप अगर सर्दी का मौसम है तो आप गर्म पानी से ही नहाओगे, तो अपने पानी में गर्म पानी से नहाने की वजह से हमारे जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, और हम लोग सर्दियाँ हैं तो गर्म पानी से नहाना तो एकदम बनता ही है। तो आपको क्या करना है, अपने पानी में थोड़ा सा नारियल का तेल या फिर ग्लिसरीन या फिर कोई भी ऑयल जो कि आपको बॉडी पर लगा रहे हो आप उसको पानी में मिक्स कर दो। ऑयल ही लगाना है, बॉडी लोशन वगैरह नहीं, उसको पानी में अच्छे से मिक्स करके और फिर नहाओगे तो आपका जो ड्राइनेस है स्किन का वो कंट्रोल में रहेगा, और आपका जो लुक है वो स्किन आपकी जो फट जाती है वो नहीं फटेगी। तो आप ये वाला एक बार हैक जरूर ट्राई कीजिएगा। अब इस तरीके से डोनेट बन के अपने जो आपने चोटी बनाई है उसको अपने डोनेट बन के चारों तरफ लपेटते हुए और अच्छे से टाइटली थोड़ा सा लपेट लीजिएगा, और एक यू पिन से इसको सिक्योर कर देंगे। ओके, फिर दूसरी साइड हम लोग बनाएंगे। इस तरीके से बनाओगे तो जो आपका बेबी हेयर्स होते हैं, जो छोटे छोटे हमारे ये स्कैल्प पे साइड स्कैल्प पे होते हैं हेयर, वो भी अच्छे से मैनेज हो जाएंगे, और आपका जो हेयर स्टाइल है वो बहुत अच्छा लुक आ जाएगा। अब दूसरी साइड से आपको आपने जो हेयर साइड के लेयर्स बचे हुए हैं इनको थोड़ा सा सेक्शन लेंगे बालों का, इसको भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और जैसे हमने इस साइड में ब्रेड बनाई थी सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे बनाना है। अगर आपको लेयर्स निकालनी है, अगेन बोल रही हूँ लेयर्स निकालना है, तो आप पहले निकाल लीजिएगा और थोड़ा थोड़ा लेयर्स दोनों साइड से ऐड करते जाएंगे इस ब्रेड में। आपको सिंपल हेयर स्टाइल या फिर ये थोड़ा सा इस टाइप का वेडिंग पार्टी बन हेयर स्टाइल जो भी देखना हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसी टाइप की वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लेके आने की कोशिश करूँगी। और मेरे चैनल पे आपको बहुत इजी हेयर स्टाइल, फेस फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल, ब्राइडल बन हेयर स्टाइल, सिंपल लुक के लिए, जींस टॉप के लिए, हर टाइप का हेयर स्टाइल का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो प्लीज़ वीडियोज़ देखिए, सपोर्ट कीजिए। अब जितना भी मैंने यहाँ पे छोड़ा हुआ है हेयर उन सब में मैं इसी तरीके से चोटी बना लूँगी।
मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेयर अपना छोड़ रही हूँ। ये आपकी मर्जी है, आपको छोड़ना है तो छोड़िए, नहीं छोड़ना तो आप इसको लोचोटी के साथ गूंथ सकते हो। कल भी मैंने एक हेयर स्टाइल बताया था जो कि आप पार्टी में ट्राई कर सकते हो। मैंने इतने लेयर्स अपने छोड़े हैं, ये आपका ऑप्शनल है, आपको छोड़ना है तो छोड़िए, अगर आपको ब्रेड के साथ ले जाना है तो आप इसको ले जाइए। बैक से जितने भी हेयर दिख रहे हैं उन सबको ले लीजिए। अगर ये हेयर स्टाइल आप किसी की हेल्प से करते हो तो बहुत इजीली बना लोगे, और खुद से भी ट्राई करोगे तो भी आप बना लोगे एक से दो बार में, एक बार में ही बना लोगे अगर आप थोड़ा अच्छे से धीरे धीरे से ट्राई करोगे तो। अब जितने भी बचे हुए हेयर हैं इनको अच्छे से गूंथ लेंगे। गूंथने के बाद से इनको थोड़ा थोड़ा सा खींचेंगे बालों को। जिससे हमारी जो रेड है वो थोड़ी सी वॉल्यूम दिखे और जो हमारा हेयर स्टाइल का लुक है वो थोड़ा सा अच्छा दिखे। नीचे के हेयर्स में आप रबर बैंड लगा सकते हो, उसके बाद भी इसको पुल आउट कर सकते हो जिससे कि आपका हेयर स्टाइल अच्छा रहेगा। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा खींचेंगे बालों को। इसको आप कर्ल्स करके छोड़ सकते हो अपने बालों को। अब इसको बैक में लेके जाएंगे इस तरीके से, ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से लेके आएंगे। रबर बैंड आप चाहो तो इसी में छोड़ सकते हो, चाहो तो निकाल भी सकते हो, तो मैं इसी में छोड़ दे रही हूँ। अगर इसमें आप छोड़ोगे तो आपका जो हेयर स्टाइल है वो खुलेगा नहीं, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, तो आप मैं बोलूँगी कि आप रबड़ बैंड को नहीं निकालिएगा। और यहाँ पर जैसे अच्छे से होल्ड रहे उसके लिए आप यहाँ पर एक लूपिन और ऐड कर दीजिएगा अपनी चोटी के साथ में। तो बैक से कुछ इस तरीके का लुक आएगा हमारे हेयर स्टाइल का। और जैसे यहाँ पे बेबी हेयर्स दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो आप कॉम पे सेटिंग्स पे लेके और इसको सॉरी और इस तरीके से अपने बन को सजा सकते हो जिस फ्लावर्स से। तो आई होप कि आपको हेयर स्टाइल पसंद आई हो, और हेयर स्टाइल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ऐसी सपोर्ट कीजिए और भी इस तरीके की ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल्स की वीडियोस देखने के लिए। इजी एंड ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल्स की वीडियोस आपको मेरे चैनल पे इसी तरीके से मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक। तो फ्रेंड्स ये मैंने कुछ पिक्स ली थी जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि अगर आप फ्लावर नहीं लगाओगे तो कैसा लुक आएगा बन का। तो इस तरीके का विदाउट फ्लावर लुक आएगा, एंड मतलब फ्लावर यूपिन्स जो हैं वो मैंने ऐड किए थे, और फ्लावर लगाने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आएगा जो कि आपके पार्टी में, आपकी कुछ साड़ी गाउन वेडिंग पार्टी पार्टी कोई भी ड्रेस है उसके साथ बना सकते हो। और सबसे अच्छी बात कि आप खुद से बना सकते हो, पार्लर में आपको पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो और अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ये हेयर स्टाइल ट्राई कीजिएगा। किसने किसने ट्राई किया और किससे बना नहीं बना वो भी कमेंट बॉक्स में बताएगा, ताकि मैं और भी इजी इजी तरीके आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।